अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ जिसमें लेटर्स का रिव्यू किया जा रहा है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMW TV उर्दू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। तो आज भी लेटर का रिव्यू करेंगे, आज देखेंगे कि कौन सा लेटर कहाँ से मिला है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। रेंडमली कोई लेटर हम निकाल लेते होते हैं और उसके ऊपर जो है ना हम अपना तबसरा करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा लेटर निकले अच्छा सा जिसके भाई ये निकाला है जी। अब देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये जनाब लाफसेन ये वो डिगर लिखा हुआ है इसके अंदर, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, ये कहाँ से आया है, डेट भी इसकी पन्नी है 13/6/2007 को मेरे ख्याल में आया है, 2007 को। इसमें पता नहीं काफ़ी तफसीली लेटर है, 2-3 पेज है। तो बिलव्ड फ्रेंड, आई राइट दिस लेटर इन ए मोमेंट ऑफ पॉज, द रीज़न वाई। ये आया जी एशियागो विसेंजा इटालिया, इटली से आया है नाज़रीन ये लेटर, इटली से शायद कोई लिखता होता था मुझे। आई राइट दिस लेटर इन ए मोमेंट ऑफ पास, द रीज़न वाई एंड फेस्टिव डे, आई नो इट दैट आई हैव एक्सक्यूज माई बींग लेट इन राइटिंग टू यू। कह रहे हैं कि मैंने खत लेट लिखा है, कोई अपनी मसरूफियात थी तो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, बट आई हैव हैड मैनी इंगेजमेंट ऑफ जॉब लेटली, मैं जॉब के सिलसिले में मसरूफ था। आई होप दैट पर्डन मी, आप मुझे माफ़ करेंगे द डिले एंड होप दैट व्हाट द सेंडिंग ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, इसको कबूल करेंगे। दे आर नॉट श्योर दैट दिस लेटर द अराइवल द रीज़न वाई आल्सो एन अदर लेटर रिटर्न मी बिहाइंड फॉर वाया ऑफ द हॉस्टिलिटी वन दैट देर आर नेल इट्स कंट्री बिटवीन इराचिनी एंड यूरोपियन देन आई इंसर्ट इन दिस लेटर 5 यूरो दैट आर द इक्विवेलेंट वैल्यू डेल इट्स शिपमेंट ऑफ CIO द फेस्ड। मैंने कहा कि मैंने एक और लेटर लिखा था और वो मुझे वापस आ गया था, शायद उन्होंने टिकट कम लगाए थे। फिर अभी ये कह रहे हैं कि जी कि इस लेटर में मैंने पता नहीं क्या डाला है, 5 यूरो की लिख रहे हैं। आई नेवर डू नॉट मेक आई सेंड फॉर PU ऑफ 10 यूरो देयरफॉर शी आई डू नॉट सेंड मी PU ऑफ 12 वैल्यू डिफरेंट। अच्छा वो जो होते हैं ना बाज़ूकात एक्सचेंज करते रहते हैं कि मैं आपको अपने मुल्क की करेंसी भेजता हूँ, आप उसकी जो इक्विवेलेंट वो बराबर हो तो वो अपने मुल्क की भेज दें ताकि हम करेंसी कलेक्शन कर रख सकें, एक दूसरे ममालिक की करेंसी जो है ना अपने पास रख सकें। तो आगे ये लिख रहे हैं कि मैगजिम सम ऑफ 10 यूरो आल्सो सेल द वैल्यू डायरेक्ट शिपमेंट सेरा ए लॉट ऑफ टमोर। कोई ख़त के बारे में भी लिख रहे हैं कि उसको जो स्टैंप टिकट्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। टू थैंक ए लॉट डेल इट्स वो दैट मी टू फैक्ट, ये इन्होंने बीच में थोड़ा ये ना अपनी इटालियन जबान भी मिक्स की हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है लेकिन इटालियन के कुछ वर्ड भी बीच में इन्होंने लिखे हुए हैं। अप्लाई टू रिसीव सी और टू थैंक इट एंड आई होप दैट दिस ऑफ इट्स विल फॉलो मैनी अदर। इनकी अंग्रेजी जो है ना ठीक है लिख रहे हैं लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे लिख रहे हैं, बीच में कुछ इटालियन वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हैं जी पास्चल रिगोनी, ये पास्चल रिगोनी है और इटली से जो है ना ये इन्होंने लेटर लिखा है और साथ में ये कोई पंफलेट शैम्पलेट भी भेजे हैं, ये इन पर भी कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई एड्रेसेस वगैरह हैं। तो ये इटली से लेटर था नाज़रीन। इटली आप जानते हैं कि इटली में जब वबा शुरू हुई थी कोरोना वायरस की तो मेरे ख्याल में इटली से ही स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पे थम गई, फिर चाइना में उसने रूज पकड़ा है। तो इटली का जो है ना एक एशियागो विसेंजा इटालिया, एशियागो कोई जगह होगी विसेंजा इटालिया, ये एड्रेस इनका लिखा हुआ है। तो इटली से ये लेटर था जिसमें वो कुछ अपने बारे में लिख रहे हैं, पहले भी शायद इन्होंने लेटर लिखा था तो उसका बता रहे हैं कि जो है ना पहले भी लिखा था तो मुझे वापस आ गया है क्योंकि शायद टिकट उन्होंने कम लगाए थे या क्या वजह थी। फिर ये कुछ लोग होते हैं करेंसी जो है ना एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे की कि मैं आपको ये भेजता हूँ आप उसके बदले में ये भेज दें। तो ये इस वाले से लेटर था इटली से, आज का लेटर का रिव्यू था। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कौन से मुल्क से हमें लेटर मिलता है, उसका रिव्यू किया जाएगा।
और जिससे आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा और आप इंजॉय भी करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AM WW TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।